बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी स्टाइल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आए हैं, बहुत अच्छे टॉपिक पे है। कुछ दिनों से मुझे बस कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि बनर्जी दी ऐसा कोई शैम्पू बताएं जो कलर्ड हेयर के लिए सुटेबल हो। चूँकि हमने कई बार वीडियोस बनाए हेयर कलर के ऊपर, बनाया है अपने हेयर केयर के ऊपर बनाया है, जैसे हम लोग भी हेयर कलर करते ही हैं। ये देखिए सारे हेयर्स जो हम लोग कलर सामने के करते ही हैं, टचअप भी करते ही हैं, इनको रखरखाव के लिए, इनके उसके लिए हम किस तरह की केयर करने के लिए हम किस तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं, तो इस पर बात आती है। तो आज हम आपके सामने लाए हैं लॉरियल पैरिस का प्रो लॉन्गर, लॉरियल प्रोफेशनल पैरिस का प्रो लॉन्गर फिलर प्लस A100 प्लस एमिनो एसिड शैम्पू प्रोफेशनल रिनोवेटर डी लॉन्गर। ये तो कोई चाइनीज वैसा भाषा है इनका। लेंथ रिन्यूइंग फॉर लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर लेंथ रिन्यूइंग, और सीडी एक्सपर्ट है यानी कि कलर एक्सपर्ट है। ये कलर के लिए शैम्पू है, कलर बालों के लिए शैम्पू है। रेट की बात की जाए तो 695 है। जब मैं हेयर कलर करती हूँ तो मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। इससे मेरे बालों की मॉइस्चराइज बालों पे रहते हैं, एंटी फ्रिज रहते हैं यानी कि फ्रिज फ्री रहते हैं, बालों का टेक्सचर भी अच्छा रहता है और जल्दी कलर नहीं छूटता है। नॉर्मल शैम्पू से जब कलर बाल धोइए तो सामने से कलर छूटने लगते हैं, ये सब छूटने लगते हैं जल्दी, दो चार दिन बाद से ही अगर आपने दो बार शैम्पू कर लिया तो छूटने लगते हैं। अगर आप लॉरियल पैरिस का ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं प्रो लॉन्गर, तो इससे आपके कलर जो है वो लॉन्ग स्टे करेंगे, आपके बालों को एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा, और बाल जो है स्कैल्प मॉइस्चराइज रहेगा, और बाल जो है लेंथ में बढ़ेंगे यानी कि ग्रो होंगे, जिसमें कि लॉन्ग हेयर आपको मिलेंगे। रेट भी बता दिया आपको, इसका काम भी बता दिया, रिजल्ट भी आपको दिखाई दिया है। हम इसलिए इस्तेमाल इसको कर रहे हैं ना क्योंकि हमने कई शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर पे भी काफ़ी सारे शैम्पूज हैं, लेकिन होता क्या है कि शैम्पू करने पे सामने से मेरे कलर छूटने लगते हैं बहुत जल्द, दो हफ्ते भर नहीं बीतता है सामने से वाइट, छोटे छोटे बेबी हेयर्स वाइट दिखने लगते हैं। टचअप करना ज़रूरी होता है, हर हफ्ते चार दिन बाद टचअप करना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ऐसे शैम्पू की ज़रूरत ही थी जो मेरे कलर्ड हेयर को अच्छा रख सके और उसको जो है मेंटेन रख सके, उसका कलर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रह सके हेयर कलर। इसके लिए मैंने ये शैम्पू चूज़ किया और इसको यूज़ किया, हाईली रिकमेंड करती हूँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 695 की रेंज में 300 ml आपको बॉटल मिल जाती है, और नाइका अमेजोन मिंत्रा हर जगह ये अवेलेबल है, पास के स्टोर में भी अगर आपको मिल जाता है तो आप ले सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर लाऊंगी आपके लिए। चलिए बनर्जी दी को याद रखिएगा, सब्सक्राइब किए बिना देखने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वाइटी स्टूडियो बता देता है कि बिना सब्सक्राइब किए इतने लोग देख रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन को यूज़ करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपने ये शैम्पू यूज़ किया है और उसके आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए